आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रेजिडेंट के सामने, वाचनकर्ता अमित पांडे। भोर होते ही मैंने डंके की आवाज सुनी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। केसर को जगाकर मैंने कहा, केसर देखो तो यह कैसी आवाज है। आवाज रुक कर दूर से आ रही थी, पर कुछ क्षणों में ही वह और स्पष्ट हो गई। सूरज की किरण अपने पीले आलोक को मेरे शयन कक्ष में बिखेर चली। इसी समय मैंने अपने महल के नीचे बहुत से आदमियों का शोर सुना। मैं गवाक्ष में जा खड़ी हुई। केसर मेरे साथ थी। मैंने देखा महल के बाहरी मैदान में 10-10 पांच पांच मनुष्य चारों ओर से एकत्र होते आ रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? मैंने भयभीत नेत्रों से केसर की ओर देखकर कहा। केसर जैसे सब कुछ समझ रही थी, इसी से उसने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप गवाक्ष में देखती रही। इसी समय धौंसा जैसे महल की पौर पर ही बज उठा और मैंने देखा दाता धौंस बजाते चले आ रहे हैं। सब साथी केसरिया पहने थे। सबके हाथ में नंगी तलवारें थीं। कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ पैदल। दाता अपनी प्रिय सांडनी पर थे। उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उनके हाथ में दुनाली बंदूक थी और कमर में कारतूसों की पेटी कसी थी। उनके पीछे भीड़ शोर करती आ रही थी। देखकर मेरा कलेजा धड़कने लगा था। मैंने केसर की ओर देखा। उसका मुंह सूख रहा था। वह एक टक उधर ही देख रही थी। मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। इसी समय किशुन ने आकर कहा, ठाकुर केसरिया पहनकर आए हैं। कुल 25 आदमी हैं, 6 चाकर और 8 राजपूत, बाकी सब भाई बंद। उनका इरादा शाखा करने का है। वह मरने मारने पर तुले हैं। राज्य सेना उन्हें रोक कर आ रही है। मैंने देखा अभी दाता की सवारी त्रिपोलिया के निकट भी न पहुंची थी कि तोप दगी और राज्य की सेना के सिपाहियों ने चारों ओर से दाता की सवारी को घेर लिया। इस समय नगर के भी बहुत से लोग भागे जा रहे थे। शोर बहुत हो रहा था। दाता बंदूक हाथ में लिए दृढ़ता से अपनी सांडनी पर बैठे थे। मैंने सहमते हुए कहा, किशुन अब क्या होगा? किशुन ने कहा, अन्नदाता ने रेजिडेंट साहब बहादुर पर हरकारा भेजा है। महल की रक्षा को सिपाही आ रहे हैं। शायद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर वह जान पर खेल जाएंगे किशुन। दाता बात के बड़े धनी हैं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है सरकार। अन्नदाता ने 50 सिपाही ड्योढ़ियों पर भेज दिए हैं। भाड़ में जाएं 50 सिपाही। उनसे कह दे कि वे यहां से चले जाएं। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। दाता आकर पहले मेरा सिर काट लें। जा, तू दाता से मेरी यह अरदास अर्ज कर दे। मैंने गुस्से से भरे कंठ से कहा। किशुन ने मेरी हालत समझ ली थी। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा सरकार। रेजिडेंट साहब बहादुर खून खराबा नहीं होने देंगे। मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं सरकार? देख नहीं रही हैं, राज्य की फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। तो तलवार दे, मैं अपना सिर खुद काटे देती हूं। तू मेरा सिर दाता की सेवा में ले जाकर कहना, दाता यह तुम्हारी चंपा है जो निर्दोष है। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। केसर मुझे गवाक्ष से हटाकर कक्ष में ले आई और उसने कुछ संकेत सा करते हुए किशुन से कहा, किशुन नीचे जाकर देख तो वहां क्या हो रहा है। रो वह भी रही थी। किशुन चला गया। मुझे पलंग पर लिटाकर केसर मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। नीचे से शोरगुल की आवाज आ रही थी, पर दाता का धौंसा धमाधम बज रहा था। पहर दिन चढ़ गया था और अब महल के बाहरी मैदान में हंगामा सा मच रहा था। पर कोई
खून खराबे की सूचना नहीं मिली थी। एकाएक बंदूक छूटने की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर झरोखे की ओर भागी। केसर भी भागी। मैंने देखा नरमुंड ही नरमुंड थे और रेजिडेंट साहब बहादुर के गोरे लाल लाल वर्दी पहने भीड़ में घोड़ों को पेल रहे थे। दाता वहां से काफी दूर थे पर मैं उनकी हवा में हिलती दाढ़ी को बराबर देख रही थी। उनकी बंदूक अब भी तनी हुई थी। कुछ हुज्जत सी हो रही थी और कोई गोरा साहब घोड़े पर सवार उनसे बातचीत कर रहा था। थोड़ी ही देर में देखा वे लोग दाता को और उनके सब सवारों को लेकर एक ओर चल दिए हैं। भीड़ भी उनके पीछे शोर करती जा रही है। इसी समय किशुन ने आकर खबर दी कि उन्हें रेजिडेंट ले गए हैं। अन्नदाता भी रेजिडेंसी गए हैं। मैं किशुन का मुंह ताकने लगी। उसने कहा, चिंता की बात नहीं है सरकार, रेजिडेंट साहब बहादुर बहुत भले आदमी हैं, वह सब ठीक कर लेंगे। अब आप हाथ मुंह धोकर कलेवा कर लीजिए, आइए। पर मैं टस से मस न हुई। मैं यह सोचकर मरी जा रही थी कि यह सब मेरे ही कारण हो रहा है। पर मैं करूं भी क्या, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। किशुन का अनुरोध मैं अंततः टाल न सकी। विचित्र पुरुष है यह किशुन। इसे देखकर तो मेरा सारा ही अपनापन गल सा जाता है। उसके अनुरोध में आग्रह, अनुनय और स्नेह का एक ऐसा पुट है कि उसके सामने विवश हो जाना पड़ता है। मैं यहां अपनी विपत में केसर ही को अपना अवलंबन समझती थी, पर इन दो दिनों में ही मैंने जान लिया कि किशुन उससे अधिक मेरा अवलंबन है। वह साहसी, चतुर, धैर्यवान, विनम्र और प्रत्युत्पन्नमति पुरुष है। पुरुष अभी कहां है, वह निपट तरुण है। उसका सबसे बड़ा गुण है निर्द्वंद रहना। जैसे विपदा उसे व्याप्ती नहीं है, चिंता उसे छूती नहीं है, आलस्य उसके पास फटकता नहीं है, खीजना वह जानता नहीं है। इतने गुण एकत्र भला किसी पुरुष में मिल सकते हैं? फिर वह पुरुष जो इतने गुणों का अधिष्ठाता हो, क्या साधारण मनुष्य कहा जा सकता है? वह तो नर रत्न है। फिर अभी दो ही दिन तो हुए हैं, इसके सारे गुण मैंने देखे कहां है भला। परंतु यह गुणों का सागर नर रत्न राजा नहीं, रईस नहीं, प्रतिष्ठित पुरुष नहीं, एक गोला है, गुलाम है, चाकर है। मेरी भांति इसका भी रक्त स्वामी के यहां बंधक है। कैसी भाग्य विडंबना है, कैसा संसार का व्यवहार है। एक अन्नदाता की वह मूर्ति जो मैंने पिछली रात देखी थी, घृणित पशु के समान, गंदे सुअर के समान, और एक यह मूर्ति जीवन से ओतप्रोत। पर वह राजा, अन्नदाता और यह गोला, गुलाम, चाकर, छी छी, कैसी एक वितृष्णा से मेरा मन भर गया। मैंने आंख उठाकर किशुन की ओर देखा। भूल गई मैं इस क्षण दाता को, अन्नदाता को, कुंवरी को, चारों ओर बिखरी हुई विपत्ति को, अपने अंधकारपूर्ण आगामी जीवन को। मैं अपना पाप कलुष छिपाऊंगी नहीं, सत्य ही कहूंगी। मैं समूची आंखों से किशुन को जैसे पीने लगी। कभी प्यार का ऐसा वेग मैंने अपने जीवन में अब तक अनुभव नहीं किया था। और जब उसने तौलिया, चिलमची, गर्म पानी का सागर लाकर पलंग के पास रखकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा, तब मैं यह सोच समझ ही न सकी कि वह एक चाकर का अनुरोध है या स्वामी की आज्ञा। मैं औरत हूं और वह मर्द, यह मैं उस एक क्षण में संपूर्ण रूप में जान गई। जैसे जैसे उसने कहा मैंने वैसे वैसे ही किया। उसकी इच्छा के अनुसार काम में मुझे एक अनिर्वचनीय सुख मिल रहा था। पान का बीड़ा उसके हाथ से लेकर मैंने स्निग्ध दृष्टि से उसे देखकर कहा,
केसर को भी कुछ खिला पिला और तू भी कलेवा कर फिर मेरे पास आ। मेरी प्रसन्न मुद्रा को देख वह खिल गया। वाह, कैसा मधुर मोहक हास्य उसके होठों पर फैला, करोड़ों रुपयों के मूल्य का। मोती की लड़ी सी धवल दंत पंक्ति पतली सी काली छोटी छोटी मूछों के भीतर से झांकती कितनी प्रिय लग रही थी। मैं ठगी सी देखती रह गई। केसर भी जैसे मेरे भाव को समझ गई। एक अस्पष्ट भाव उसकी भौहों में आया। उसने मेरी ओर क्षण भर देखा। किशुन ने हंसकर कहा, आप भी यहीं? नहीं, मैं उठती हूं। केसर उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे किशुन भी, और मैं आंखें बंद किए पड़ी चुपचाप किशुन की मूर्ति को अपने हृदय मंदिर में बैठी देखती रही। कुछ देर बाद जब वह आया तब मैंने कहा, किशुन जरा देख तो उधर क्या हो रहा है, कुंवरी का हाल भी तो देखा, चाहे तो केसर को भी ले जा। नहीं, मैं ही जाता हूं सरकार, वह यहीं आपकी खिदमत में रहे। वह एक प्रसन्न दृष्टि मुझ पर डाल, उस दृष्टि से मुझे उलझाता सा चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक नए शोर ने हमें चौकन्ना कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भीड़ की भीड़ मेरे महल की ओर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। केसर गवाक्ष में दौड़ गई और बदहवासी लौट आई। उसने हांफते हांफते कहा, गजब हो गया चंपा, कुंवरी रंग महल से जा रही है। मैंने उठकर देखा, सुखपाल पर कुंवरी जा रही थी। आगे नंगी तलवार हाथ में लिए भूर सिंह थे, पीछे बंदूकधारी सिपाही, उनके पीछे बहुत सी भीड़ थी। मैंने कहा, यह क्या हो रहा है, कुंवरी कहां जा रही है, क्या वह रंगमहल छोड़ रही है, तू जाकर देख। केसर नीचे गई, उसने लौटकर बताया, वह रेजिडेंट गई है। मैं पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगी। मैं इतना भयभीत हो गई कि मानो अभी मेरी सांस रुक जाएगी। मैंने पूछा, क्या उन्हें रेजिडेंट साहब बहादुर ने गिरफ्तार किया है, क्या दाता भी गिरफ्तार हो गए हैं? परंतु इन सब बातों का कुछ भी उत्तर नहीं मिला। उत्तर कौन दे सकता था, किसे भीतरी बातें मालूम थी। पर महल पर तो सिपाहियों का पहरा था, केसर को बाहर जाने की आज्ञा न थी, मैं भी जा नहीं सकती थी, फिर भी जाती तो कहां, कौन यहां मेरा अपना था। हम दोनों असहाय स्त्रियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, किसी के मुंह से बोल न फूटा। एक अज्ञात भय की सिहरन हमारे अंग में व्याप गई। सूरज चढ़ने और फिर उतरने लगा, धूप पीली पड़ती गई, फिर संध्या के अंधकार ने संसार को ग्रस लिया। पर हमें बाहर की कुछ भी खबर नहीं मिली। चौक में सन्नाटा छा रहा था, खाने पीने की हमें सुध ही नहीं रही। रह रहकर मुझे जी का ध्यान आता, उनका वह शांत स्निग्ध निर्लिप्त मुख। कभी मैं अन्नदाता का रात वाले घृणित रूप का ध्यान करती, कभी दाता की हवा में फहराती हुई दाढ़ी बर बरस मेरा मन खींच लेती, कभी किशुन की धवल दंत पंक्तियां आंखों में छप जाती, कभी मुझे मां की याद आती। बचपन के वे चांदी के दिन और सोने की रातें जब हम निर्द्वंद गड़ी में रह रहे थे, दाता हमें प्यार करते थे, माँ हमें मिठाइयां खिलाती थी, हम मीठे सपने देखती थीं, मीठी नींद सोती थीं। वाह, कैसे प्यारे थे वे बीते हुए बचपन के दिन। बहुत रात बीते किशुन आया, वह बहुत थक गया था, पर इसकी उसे चिंता न थी। आते ही उसने केसर की ओर देखकर पूछा, सरकार का नहाना खाना हुआ? तू वहां की कह किशुन, वहां क्या हो रहा है, मैंने व्यग्र भाव से पूछा। सब ठीक हो गया सरकार, उसने शांत वाणी से कहा।
फिर धीरे धीरे सब बातें उसने बताई। नई रानी ने खुद जाकर रेजिडेंट साहब बहादुर से मुलाकात की। उसने साफ कह दिया कि वह मेरा अपना मामला है, इसमें मैं किसी को दखल न देने दूंगी। हाँ, मैं जिस तरह चाहूंगी रहूंगी, कोई मेरे साथ जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं कर सकता। दरबार चाहे तो मैं रंग महल छोड़ सकती हूँ, वह रियासत में कहीं भी मेरे रहने का प्रबंध कर दें। दाता को भी इस मामले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रानी पर कोई जोर जुल्म नहीं होगा, वह स्वेच्छा से जहां चाहे मर्यादा से रह सकेंगी। यह आश्वासन अन्नदाता ने दिया है। कुंवरी रंग महल में ही खुशी से रहें, यह वचन भी उन्होंने दिया है। रेजिडेंट साहब बहादुर बीच में पड़े हैं। उन्होंने नई रानी से कहा है कि यदि आप पर कोई जोर जुल्म करे तो मेरे पास आ सकती हैं। जैसे ठाकुर साहब आपके पिता हैं, वैसे ही आप मुझे भी समझिए। इन बातों से ठाकुर साहब जी आश्वस्त हुए हैं, वह गड़ी को लौट गए हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि कुछ सिपाही छोड़ जाएं। रानी को गड़ी ले जाने का भी उन्होंने आग्रह किया। फिर यह भी कहा कि उनका सब खर्च वही करेंगे, पर रानी साहिबा ने कुछ भी स्वीकार न किया। उन्होंने कहा, आप जिन्हें मुझे दे चुके हैं, वह जिस तरह चाहें मेरा भरण पोषण करेंगे, और मुझे जो कुछ लेना देना होगा उन्हीं से होगा। वह मेरे धर्म के पति और मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। मेरे और उनके बीच में धर्म का युद्ध ठन गया है, सो मेरा भाग्य है। अब मैं स्वयं ही अपने भाग्य से निपट लूंगी, और किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनसे यह भी कहा, पिता अपना धर्म पालन कर चुके, उन्होंने मुझे जिसके हाथ दिया है उससे जैसे निभेगी निभाऊंगी। हुजूर, रेजिडेंट साहब बहादुर नई रानी से मिल बहुत खुश हुए हैं। उन्हें उस रात की सारी बातें मालूम हो गई हैं। इससे उन्होंने अन्नदाता को खूब फटकारा है और कहा है कि सब बातें वह जनाब एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर को लिख देंगे, और यदि वह अपना चाल चलन ठीक न रखेंगे तो वह एजीजी को रिपोर्ट में लिख देंगे कि रियासत खाली कर ली जाए और अन्नदाता को गद्दी से उतार दिया जाए। इन सब बातों से अन्नदाता बहुत डर गए हैं। सब बातें सुनकर मैं भी डर गई, न जाने मेरा क्या होगा, कुंवरी अब क्या करेंगी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या कुंवरी रंग महल में लौट आई हैं? किशुन ने कहा, हाँ, वह रंग महल में लौट आई हैं। और दाता? वह गड़ी लौट गए हैं। चलती बार रानी जी के गले लगकर बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे। ठाकुर साहब बहुत भले हैं सरकार, बहुत ऊंच नीच बातें रानी जी को समझा गए हैं। उन्होंने कहा, सोच समझकर अपनी लाभ हानि देख कर रहना, पति से किसी हालत में मान न करना, उन्हें ईश्वर के समान समझना। यही सब बातें उन्होंने रोते रोते कही और साढ़नी पर सवार होकर चले गए। मैंने पूछना चाहा कि मुझ अभागिन कलंकिनी के लिए भी कुछ उन्होंने कहा, पर मेरे मुंह से बोल न फूटा। मैं चुपचाप रोती रही, आंसू मेरी आंखों से ढलकते रहे। किशुन ने कहा, अन्नदाता भी महल में आविराजे हैं, उनका मुंह उतरा हुआ है और मिजाज बिगड़ा हुआ है। मैंने पूछा, क्या तूने उनसे बात की है? नहीं, मैं सीधा यहां आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, मुझे आपकी फिक्र थी। रुक कर मैंने किशुन की ओर देखा, फिर आंखें नीची कर ली। खाने पीने का उसने बहुत आग्रह किया, पर मेरी किसी बात में रुचि नहीं थी। मैं चुपचाप पलंग पर पड़ी रही। इसके बाद किशुन उठा, उसने कहा, मैं बाहर ही हूं सरकार, आवश्यकता हो तो पुकार लेना। यह कहकर वह दरवाजे की पर्दा ठीक करता हुआ बाहर चला गया। केसर को भी मैंने अपने ही शयन कक्ष में सोने का आग्रह किया, और मैं बड़ी देर तक अपने भूत भविष्य का विचार करती रही। मेरी आंख लग गई।
आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रेजिडेंट के सामने, वाचनकर्ता अमित पांडे।